मुद मंगलमय संत समाज, सम्मानी धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, परम पूज्य गुरुदेव जी की सोच थी और एक इच्छा थी कि सदगुरु कबीर के शाश्वत विचारों को समाज तक पहुंचाने के लिए जो साहित्य सृजन हुआ है उनका नियमित रूप से प्रकाशन हो और उसके लिए एक स्थायी व्यवस्था हो, साथ साथ जो आश्रम का निर्माण हो वहाँ वृद्ध संतों को आश्रय मिले, उनकी सेवा मिले हो, नए साधक जो आते हैं उनको आश्रय मिले, बीजक या अन्य ग्रंथों की पढ़ाई हो और प्रवचन प्रशिक्षण हो, आश्रम में रहकर वे सेवा साधना का काम करते हुए अध्यात्म पथ में आगे बढ़कर कल्याण का काम करें, उसी उद्देश्य को लेकर यहाँ सन 1977 में एक छोटा सा बीज प्रीतनगर में रोपा गया था। यह कल्पना ही नहीं थी कि वह बीज अंकुरित होकर एक विशाल वृक्ष के रूप में अपनी छाया, अपनी सेवा समाज को दे सकेगा। लेकिन गुरुजनों का आशीष, उनका कृपा प्रसाद, आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का प्रेम, इस सब के खाद पानी पाकर गुरुदेव जी ने एक बीज रोपा था, वो धीरे धीरे विकसित होकर हम आप लोगों के सामने इस रूप में उपस्थित है। अब इसकी छाया आप लोगों को कितने मिल रही है और उसे कितना आराम मिल रहा है, प्रेरणा मिल रही है, ये तो आप लोग ही बता पाएंगे। गुरुदेव जी की सोच थी कि इस आश्रम में जो संत रहें वे सही ढंग से साधना करके और सही जीवन जीकर समाज में एक अच्छे साधु का आदर्श स्थापित करें। त्रुटियां तो हो जाती है, होती रहती है, लेकिन उन त्रुटियों को सुधारते हुए अपने साधना पथ में चलकर स्वयं आत्मकल्याण की दिशा में अग्रसर हों, अच्छे साधु आदर्श स्थापित करें और समाज अच्छी प्रेरणा दें। इसमें हम लोग क्या कर पा रहे हैं, गुरुदेव की सोच उनको पूरा कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, इसकी परीक्षा करने वाले भी आप लोग ही हैं। हाँ, लेकिन
गुरुदेव जी के सानिध्य में रहने वाले संत साधक चाहे कहीं भी रहते हों, वर्तमान में यहाँ रह रहे हों या बाहर रह रहे हों, और आप लोग जो विभिन्न प्रदेशों से आए हुए हैं, आप लोग जहाँ रहते हैं दूर दूर, आप लोगों की पूरी पूरी शुभकामना और सहयोग हमारे लिए है, संत समाज के लिए है, इस आश्रम के लिए है। और तभी आप इतनी मेहनत करके खर्च करके आते हैं, तीन चार दिनों तक सारी असुविधा सहन करते हुए जिस प्रकार से सत्संग का लाभ लेते हैं, यह अत्यंत प्रसन्नीय है। बाहर हम भौतिक विकास चाहे कितना भी कर लें, उसकी आवश्यकता है भौतिक विकास की, लेकिन भौतिक विकास हम चाहे कितना भी कर लें, मानसिक दुखों की निवृत्ति नहीं हो सकती। मन का क्लेश उससे दूर नहीं हो सकता। जो प्रसन्नता हम चाहते हैं, आत्मतृप्ति आत्मसंतुष्टि चाहते हैं, आत्मशांति चाहते हैं, वह बाहरी भौतिक विकास से संभव ही नहीं है। वह संभव है आंतरिक विकास से, और आंतरिक विकास तभी हो सकता है जब हमें वैराग्यवान संत सद्गुरु की छत्रछाया मिले, वैराग्यवान संतों की कृपा मिले, सत्साहित्य मिले, सद्वातावरण मिले। इसके बिना आंतरिक विकास संभव ही नहीं, प्रेरणा कहाँ से मिलेगी? कमाना खाना एक मजबूरी है, बिना खाए हम जी नहीं सकते, तो खाना मजबूरी, खाना उद्देश्य नहीं है, मजबूरी है जीवन जीने के लिए। खाते हैं तो काम भी करना पड़ेगा, वह भी मजबूरी है। कितना बढ़िया होता, जरा कल्पना करो, कितना बढ़िया होता, ये प्रकृति ने हमें सुंदर आंखें दी है, कान दिए हैं, मुंह दिया है, वाणी दिया है, मस्तिष्क दिया है, हाथ पैर आदि सब दिए हैं। प्रकृति सब बनाए होते, यदि पेट ना बनाया होता कितना बढ़िया होता, चिंता नहीं होती कमाने हमें कमाने की। लेकिन शरीर के साथ पेट भी है, और पेट बिना खाए भरेगा नहीं, जीवन चलेगा नहीं, तो खाना मजबूरी है। खाना है तो काम करना भी मजबूरी है। आदमी जीवन भर पूर्ण संयम से रह नहीं सकता, इसलिए विवाह की प्रथा है। एक युवक युवती का विवाह होता है, दोनों साथ में रहते हैं तो बच्चे पैदा हो जाते हैं, उन बच्चों का पालना पोषना भी मजबूरी है, मजबूरी के साथ साथ एक कर्तव्य है, इसी से मानव समाज आगे बढ़ता है। लेकिन खाना, काम करना, बाल बच्चे पैदा कर लेना, उनका पालन पोषण कर लेना, योग्य बनाना, ये जीवन का उद्देश्य नहीं है। इतना तो पशु पक्षी कृमि कीट आदि भी बड़ी सहजता के साथ कर लेते हैं। जीवन का उद्देश्य है आत्मशांत। जब तक जिए, कौन कितने दिन जीता है, किसने कितनी लंबी आयु पाई है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब तक जिए तब तक प्रसन्नता से जिए, शांति से जिए, पूर्ण आत्मतृप्त आत्मसंतुष्ट होकर के जिए।
और समता से, एकता से प्रेम पूर्वक जिए। इसी में हमारा अपना लाभ है और इसी में समाज की सेवा है। हमें, हम कहीं भी रहें, चाहे आश्रम में रहें, चाहे घर में रहें, चाहे यहाँ रहें, चाहे बाहर रहें, हर समय प्रसन्न मन से, शांत मन से जीना है। मन प्रसन्न और शांत है, संतुष्ट है, तो परम वैभव के धनी आप हैं। यदि मन प्रसन्न, शांत, संतुष्ट नहीं है, अशांत, तनाव ग्रस्त, शिकायतों से भरा हुआ है, तो बाहर का कोई वैभव कुछ काम आने वाला है नहीं। इसलिए जो जहां है अपने कर्तव्य का पालन करते हुए एक लक्ष्य सामने रखे कि मुझे शांति से, प्रसन्नता से कैसे जीना है और मनोविकारों को शांत करके कल्याण का काम कैसे करना है। हाँ, इस निश्चित है इसके लिए साधु संगति की आवश्यकता है, संत हैं, और इसमें संतों का भी कर्तव्य हो जाता है। हम लोग, आप लोग, हम लोगों को साधु मानते हैं, संत मानते हैं, गुरु मानते हैं, तो हमारा कर्तव्य और ज़्यादा हो जाता है। हम स्वयं उलझे रहेंगे, अशांत रहेंगे, पीड़ित रहेंगे, जो हमारे सामने आ जाए उसे कुछ कहते रहें, भैया ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो, तमाम इच्छा कामना से भरे रहेंगे, तो आपको प्रेरणा कहाँ से मिलेगी। निष्काम रह करके आप सेवा करें। हर वर्ष ये बात कही जाती है, गुरुदेव जी जब यहाँ 1977 में आश्रम स्थापित करने के लिए आए थे, और जब आश्रम स्थापना की बात हुई जमीन खरीदने के लिए, तो कोलकाता निवासी श्री प्रेम प्रकाश जी ने पैसे दे दिए थे, लेकिन जमीन तो खरीद ली गई, अब आश्रम बनाना है तो कहाँ से पैसा है। तो जब आश्रम निर्माण हुआ तो उस समय मात्र गुरुदेव जी के पास 1,000 रुपये थे। 1,000 रुपये लेकर गुरुदेव जी ने आश्रम निर्माण शुरू किया, लेकिन कहीं मांगा नहीं। गुरुदेव जी ने कहा था, सहज दो, अपनी इच्छा से दें, उनको रसीद काट करके दे दो, लेकिन रसीद लेकर के किसी भगत के पास नहीं जाना है और कोई पंपलेट नहीं छपाना है। हम ये काम कर रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं, भवन निर्माण कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हमें चंदा दो या हमें दान दो। गुरुदेव जी निष्काम रहकर, निष्प्रिय होकर के शुरू किए, और जैसे ही उन्होंने काम शुरू किया, बिना कहे लोगों पता चला, अपने आप आता गया। 77 से लेकर के आज तक 41 साल हो गए, आश्रम निर्माण के लिए और खाने पीने के लिए कभी हम लोगों को मांगने की नौबत नहीं आई। आप लोग इतना दे देते हो, कुछ वही ज्यादा हो जाता है। तो निष्कामता की आवश्यकता है, निष्काम रह करके, चाहना रहित होकर के आप काम करते चले जाएं, सहयोगी आपको मिलते चले जाएंगे, हर किसी को मिलता चला जाएगा। और कामना रखें हम, भैया ये काम कर रहे हैं इतना दे दो, वो काम कर रहे हैं इतना दे दो, वो काम कर रहे हैं इतना दे दो, तो जो लोग आ रहे हैं ना, धीरे 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 करके वो आना बंद कर देंगे, फिर रह जाएगा ये आश्रम का बस खाली आश्रम आश्रम, इसका कोई मूल्य नहीं होगा। मूल्य इस आश्रम का नहीं है, मूल्य है आश्रम में रहने वालों का। जितना वे निष्प्रिय, निष्काम होकर रहेंगे,
कर्तव्य परायण रहेंगे, सेवा परायण रहेंगे, साधना परायण रहेंगे, उतना ही आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का प्रेम हम लोगों को मिलता चला जाएगा। मिल रहा है, आज तक मिल रहा है, बल्कि हम देख रहे हैं हम आप लोगों का प्रेम, आप लोगों का सहयोग, आप लोग भावना इतनों उत्तरोत्तर बढ़ते चले जा रहे हैं। और उससे हम मैं अपनी बात कर सकता हूँ, मुझे पूर्ण संतोष है। गुरुदेव जी ने जो सीख दी है उसी सीख को लेकर के हमें अपने जीवन का निर्माण करना है और समाज के बीच जाना है। गुरुदेव जी का शरीर शांत हुए 6 साल से अधिक हो गए, 6 साल 2 महीने होते जा, 6 साल 1 महीना होते चला जा रहा है अंग्रेज तारीख के अनुसार से। उनके नहीं रहने पर आप लोगों को उनके अनुपस्थिति में क्या सेवा मिल रही है, क्या संतोष मिल रहा है, ये तो आप लोग बता पाएंगे। बाहरी विकास जो कुछ हुआ वो मूल्यवान नहीं है, मूल्यवान है इस समाज के द्वारा आप लोगों को जो मिल रहा है वह, और मूल्यवान है जो हमारा मन है, मन की दशा है वह। जब मन की दशा सही रहेगी तो आप लोगों को भी हम कुछ दे सकेंगे। हमारा ही मन ही गड़बड़ है, हमारा मन ही उत्तेजित, हमारा मन तनाव से भरा हुआ है, कामना से भरा हुआ है, तो न तो हम सुख से जी पाएंगे और न ही आप लोगों की सेवा कर पाएंगे, और ना आप लोगों को फिर संतोष मिल पाएगा। तो बात यह है, गुरुदेव जी ने जिस उद्देश्य से इस आश्रम का निर्माण किया, जैसे एक नींव रखी और एक छोटा सा बीज बोया, वह बीज आगे बढ़ गए, कैसे और अधिक विस्तार हो, विस्तारित हो, कैसे अधिक से अधिक समाज को अपनी सेवा और छाया दे सके, इसके लिए हमें और आपको सोचना है। आप लोग तो कर ही रहे हैं, लेकिन खास करके आश्रम में रहने वाले को सोचना है। गुरुदेव जी का जो उद्देश्य है हम उसे पूरा कर सकें और साथ साथ अपने साधना का काम कर सके, कल्याण का काम कर सके, तो हमारा जीवन तो सार्थक होगा ही, समाज को सेवा मिल सकेगी। और इसी के लिए, उद्देश्य के लिए ही सत्संग का कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। अभी श्री गुरु भूषण साहब जी ने तो आप लोगों को बताया कि हमारे आश्रम के संत या अन्य और किस प्रकार से सेवा कर रहे हैं। हम बताते हैं कि भाई इतनी सेवा में, इतने खर्च में, इतने ढंग से, इतने हो गया तो लोग आश्चर्य करते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, आश्चर्य करते हैं लोग। ये नहीं बताते हैं कि तब इतनी तो मजदूरी नहीं हो पाएगी, लेकिन मजदूरी का काम भी हमारे संत करते हैं। तो अब फिर आप लोग आ जाते उतने करते हैं। यदि सब कुछ मजदूर भरोसे होता तब तो इतना बड़े आयोजन करना संभव ही नहीं होता। गुरुदेव जी ने जो चाहा था कि समाज में प्रेम हो, एकता हो, समता हो, संगठन हो, मैत्री भावना हो। खुशी की बात यह है कि गुरुदेव जी के नहीं रहने पर वो प्रेम, एकता, समता, संगठन, मैत्री भावना अभी भी बरकरार है। अब मैं आशा करता हूँ ये बरकरार रहेगा। हाँ, मैं जरूर निवेदन ये करूँगा, हम लोग तो कर रहे हैं जो कुछ बन रहा है, तो सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सेवा में अनेक प्रकार की त्रुटियाँ आती हैं और सब जानते हैं, आप लोग भली भांति परिचित हैं। लेकिन आप लोगों से मेरा एक निवेदन
गुरुदेव जी की छत्रछाया में रहने वाले जितने संत साधक थे और अभी हैं, चाहे वो कहीं रहते हैं, यहाँ नवापारा आश्रम में, सूरत में, धर्मपुरी है आश्रम, साधिकाओं का आश्रम मुरा है, पोटियाडी है, अन्य और जगह है, सभी हमारे समाज के अंग हैं। हम लोगों में से किसी में यदि कोई त्रुटि होती हो, गुरुदेव जी के का जो उद्देश्य, गुरुदेव जी का जो नियम है, उस नियम के विपरीत हम लोग काम करते हैं, तो निवेदन है आप लोग हमें जरूर बताएं ताकि हम उसको सुधार कर सकें। और जब आप लोगों का प्रेम रहेगा, सहयोग रहेगा और हमारी सेवा रहेगी, तो निश्चित है गुरुदेव जी जिस उद्देश्य को लेकर के इस आश्रम निर्माण किया, वो उद्देश्य पूरा होगा, हमें और आपको सबको मानसिक संतोष मिलेगा, हम कल्याण दिशा में आगे बढ़ सकेंगे। समय बहुत ज़्यादा हो चुका है, फिर हम शाम के समय में और संतों के विचार सुनेंगे, अभी अन्य काम होना है, इसलिए आप सब प्रति आभार व्यक्त करते हुए और कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की।